हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 लेसन नंबर 4 है, सब्जेक्ट SST। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लेसन नंबर 4 में जो शेष रह गया था उसको देखना है। इसमें आप जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लैंड पोल्यूशन यानी जो मिट्टी है उसकी प्रदूषण, वो प्रदूषित कैसे होता है। व्हेन वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अगर हम लोग जब कूड़े कचरे को डिस्पोज नहीं करते हैं, फेंकते नहीं हैं। व्हेन यू मस्ट थ्रो केमिकल्स इनटू द सॉइल, कहीं भी उस कूड़े कचरे को डिस्पोज नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, अलग नहीं हटाते हैं, तो उसको कहीं भी हम लोग फेंक देते हैं। जैसे कि केमिकल हुआ मिट्टी में मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉजेज लैंड पोल्यूशन। तो जितने भी कूड़े कचरे हैं हम लोग डिस्पोज इकट्ठा नहीं करते हैं, उसको उठा करके हम लोग ज़मीन के अंदर केमिकल जो मिट्टी में हम लोग फेंक देते हैं, उस तरह से हमारी मिट्टी जो होती है, भूमि जो होती है, प्रदूषित हो जाती है। उससे क्या होता है कि मिट्टी प्रदूषित होने से हमारी कृषि, उसकी उपज के प्रभाव पड़ता है, अच्छी नहीं हो पाती है उपज। क्यों? कि हमारी भूमि जो है, मिट्टी जो है, प्रदूषित हो जाती है, उसे हम लोग लैंड पोल्यूशन कहते हैं। एक नॉइज पोल्यूशन, टू मच नॉइज, अधिक शोरगुल, द हंकिंग ऑफ व्हीकल, गाड़ियों की आवाज़, द ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे का छोड़ना, उनकी आवाज़, पटाखा फोड़ना, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर, और ज़्यादा आप जानते हैं जैसे हम लोग DJ कहते हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी आवाज़ होती है, इसके कारण ये नॉइज पोल्यूशन होता है। तो नॉइज पोल्यूशन से आपको बहुत तरह की परेशानी होती है। ये नॉइज पोल्यूशन, काफ़ी शोरगुल, पटाखे, किसी तरह की काफ़ी आवाज़, वो नॉइज पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन बींग क्लियर फॉरेस्ट टू बर्ड, सिटीज एंड फॉर, मानव शुरू से ही जंगलों की कटाई करके, साफ करके लोग जो हैं शहर और खेत बनाते हैं। वी आर कटिंग ट्रीज टू मेक हाउसेज, और हम लोग पेड़ों पौधों को काट करके अपने घर को बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। Now there are fewer tree to clean the air. तो अब जो है ये क्या करते हैं कि पेड़ की जब कटाई हो जाती है तो ये हवा को साफ नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों से ही हमारी हवा शुद्ध होती है। Clearing of forest, जंगलों की कटाई। वी ऑल नो नोन दैट
We all know that the tree bind the soil, bind the soil. हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी को क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं. उनकी जड़ें जो हैं मिट्टी में फैल जाती हैं और उस मिट्टी को कटाव से बचाती हैं. Soil becomes loose when tree are cut down. मिट्टी अगर हम लोग पेड़ पौधे काट देते हैं, पेड़ पौधे को नष्ट कर देते हैं, तो मिट्टी जो है वहाँ की लूज हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है. दिस लूज सॉइल कैन देन द ईजली वॉश्ड अवे बाई वाइंड एंड रेन. तो वो मिट्टी आसानी से वर्षा के कारण, तेज हवा के कारण वो जो है मिट जाती है, धुल जाती है और कहीं और चली जाती है. विच इज फर्टाइल इन नेचर, सॉरी, इन दिस वे द टॉप सॉइल इज लॉस्ट विच इज फर्टाइल इन नेचर. इस प्रक्रिया से, इस तरीके से मिट्टी जो है, जो ऊपर की सतह की मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है. हमारे प्रकृति का दिया हुआ वो मिट्टी समाप्त हो जाती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल एरोजन. इसको हम लोग सॉइल एरोजन के नाम से जानते हैं. मिट्टी के कटाव, मिट्टी के बर्बाद होना, मिट्टी का एक दूसरे से दूसरे जगह बह के चला जाना, ये सॉइल एरोजन कहलाता है. वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को सुरक्षा करने का तरीका, किस तरह से हम लोग सुरक्षा रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. द नीड ऑफ एन आवर इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे. दिस कैन बी डन. द नीड ऑफ एन आवर, हमारे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ घंटों हम लोगों को उसमें समय देना होता है. उसको बचाने के लिए हानिकारक से कुछ मानव एक्टिविटी जो हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, जो कि दिया हुआ है. वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट जैसे कि कूड़े कचड़े हैं. होम्स एंड फैक्ट्री मस्ट हैव प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. घरों में, घरों और फैक्ट्रियों के जितने भी प्रतिदिन के कूड़े कचड़े हैं, सभी को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग जो हैं एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं. वी शुड थ्रो गार्बेज इन द बिन. हम लोगों को जितने भी कूड़े कचड़े हैं सबको बीन जो होते हैं, जब डब्बे डस्टबिन होते हैं, उसके अंदर हम लोग को इकट्ठा करना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर द 3 R's, रिड्यूस साइकिल एंड रीयूज. हमेशा इस पे आपको ध्यान देना होगा, याद रखना होगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. Avoid usage of polythene bags. और पोलोथीन बैग जो आप यूज करते हैं मार्केट में, जो भी सामान आप लेने जाते हैं पोलोथीन बैग मिलता है, उसको आप, उससे आप जो है बचाएं और उसको इकट्ठा करके हर जगह उसको न फेंकें. Avoid noisy appliances. जो आवाज़ करने वाले सामान हैं उनसे आप बचें. वी मस्ट प्रिवेंट आवर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम यूजिंग नॉइजी अप्लायंसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड नॉइज पोल्यूशन. हम लोगों को अपने आप उन चीज़ों, उन ऐसे आवाज़ों से बचना है जिससे कि नॉइज पोल्यूशन न हो सके. आप कहीं भी देखे होंगे ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, रोडों पे
इस तरह के चिन्ह आपको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ गाड़ियों को संकेत दिया जाता है कि वहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। वी शुड ऑल्सो अवॉइड यूजिंग होम एंड लाउड स्पीकर वेन इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज देम। हम लोगों को उससे बचना है, लाउड स्पीकर से, हॉर्न से, आवाज़ों से, जिसका हम लोग यूज करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो बजाना नहीं चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, अधिक पेड़ पौधा लगाना। वी शुड इनकरेज एफॉरेस्टेशन, यानी कि हम लोगों को बहुत से पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। एंड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन टू मेंटेन ए हेल्दी इन्वायरमेंट। ज़्यादा पेड़ पौधे का अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है स्वस्थ रहता है। इफ़ ऑल ऑफ अस कीप दिस थिंग इन माइंड, यदि इन चीज़ों को अपने दिमाग में हम लोग रखते हैं एंड एक्ट अकॉर्डिंगली और तुरंत उसे हम लोग कार्य को करते हैं तो आवर इन्वायरमेंट विल बी हेल्दी, तो हमारा इन्वायरमेंट स्वस्थ रहेगा। इंडीड एंड वी विल लीड ए हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री लाइफ। तो इस तरह के चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारा स्वस्थ अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और हम लोग जो हैं स्वस्थ रहेंगे और हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा और पोल्यूशन फ्री रहेगा। अब नेक्स्ट पेज नेक्स्ट है। थैंक यू बाय।